हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, जितने भी उम्मीदवार UPNHM की नई रिक्रूटमेंट का इंतजार कर रहे थे, उन सभी के लिए दोस्तों यहां पर नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट द्वारा आप सभी के लिए यहाँ पर जो है एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। यानी कि दोस्तों, इस नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से निकाला गया है, क्योंकि इसके अंदर यानी कि उम्मीदवारों की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत थी, जिसके कारण यहाँ पर डिपार्टमेंट ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर इस रिक्वायरमेंट को यहाँ पर जारी किया गया है। और जो इसकी प्रक्रिया है वो भी बहुत ही जल्द यहाँ पर पूरी कर ली जाएगी। तो कब तक इसकी प्रक्रिया पूरी होगी, क्या अपडेट है, इसके बारे में सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप देने वाले हैं। और ऑनलाइन प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म के लिए इंटरेस्टेड होगा, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को बिल्कुल ही भरे। और इसके अंदर आप सभी को जो सैलरी है, अगर आप सभी एलिजिबल होते हैं तो जो सैलरी है वो भी आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी है, और आने वाले समय में यह परमानेंट वैकेंसी में जाकर यहाँ पर जो है बदल जाएगी। तो पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, कहाँ की वैकेंसी है, किस टाइप की वैकेंसी है, क्या पोजीशन है, क्या पोस्ट है, वो सारी चीज़ की जो अपडेट है मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल स्टडी जोन के साथ। दोस्तों, टेलीग्राम पर मैंने आपने जो है PDF की लिंक जो है वो शेयर कर दी है, वहाँ से इनसे जो भी उम्मीदवार डाउनलोड करना चाहता है डाउनलोड कर सकता है। साथ ही अप्लाई की भी लिंक मैंने आप सभी को अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी जोन पर दे दी है। नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट की जो भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल स्टडी जोन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सारी इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप देते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर 3 डॉट पर आप सभी को आ जाना है। 3 डॉट पर आने के बाद यहाँ से ही अपॉर्चुनिटीज़ वाले सेक्शन पर आते हैं, तो आप सभी के सामने एक नया इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जिसमें कि यहाँ पढ़ते हैं कि यहाँ पर रिक्रूटमेंट और कैरियर के अंदर यहाँ पर एक नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। यानी कि 6/5 यहाँ पर /SU/SPMU/NHM/HR/Recruitment 2024, यहाँ पर 25/5658 और डेट 22/11/2024 का नोटिफिकेशन पब्लिश किया गया है। एडवर्टाइजिंग रिक्रूटमेंट देख सकते हैं कि GM DM एंड अदर पोस्ट के लिए अंडर UPNHM के अंदर स्टार्टिंग डेट जो है वो 24 नवंबर से हो चुकी है और 14 दिसंबर तक लास्ट डेट है। एडवर्टाइजिंग की सारी डिटेल और अप्लाई की जो लिंक है टेलीग्राम पर, और नोटिफिकेशन की लिंक है जो टेलीग्राम पर आप सभी को मिल जाएगी दोस्तों। तो जैसे ही दोस्तों यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप सभी के सामने एक नया इंटरफेस हो जाएगा, और उस इंटरफेस पर पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आप सभी के लिए आ जाएगी कि क्या वैकेंसी है, क्या पोस्ट है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप सभी को यहाँ पर मिल जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि जो टाइमिंग है और जो क्लोजिंग टाइमिंग है, यानी कि 24/11/2024 से लेकर सुबह 11:30 से लेकर और 14/12/2024 से लेकर टाइम 6 बजे तक, यानी कि आप जो है इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/11/2024 को कर दिया गया था। रिक्वायरमेंट जो है यहाँ पर जो है जनरल मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर, चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, और यहाँ पर सीनियर मैनेजर फाइनेंस के अंदर, यहाँ पर SPM के अंदर, और साथ ही दोस्तों NHM UP के अंदर इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है, जिसमें कि बताया गया है कि यह वैकेंसी जो है आप सभी के पिछले साल की कुछ वैकेंसियाँ बाकी थी और उसके साथ यहाँ पर मिलाकर यहाँ पर जो है इस वैकेंसी को यहाँ पर जारी किया गया है, जो आप सभी के यानी कि ओपन मार्केट पोजीशन जो है वो स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की तरफ से इस वैकेंसी को निकाला गया है, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हैं कि बताया जा रहा है कि जनरल मैनेजर के 8 पोस्ट निकाले गए हैं, ड्यूटी मैनेजर के 17 पोस्ट निकाले गए हैं, चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और यहाँ पर सीनियर मैनेजर के पोस्ट यहाँ पर जो है निकाले गए हैं OBC SC NCL के अंदर देख सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को मैंने आप सभी को अपडेट कर दिया, इसलिए दोस्तों क्योंकि नेशनल हेल्थ मिशन डिपार्टमेंट वाला स्टाफ नर्सिंग या ANM या लैब टेक्नीशियन या फार्मेस्ट या मेडिकल ऑफिसर या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या यहाँ पर जो है सीनियर स्टाफ नर्सिंग की यहाँ पर वैकेंसी नहीं निकाली गई है, पर यहाँ पर जो है आप सभी के लिए नीड्स यहाँ पर जरूरत के अनुसार जो है UPNHM डिपार्टमेंट ने यहाँ पर जो है 5 वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी की गई है। इसके अंदर जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, पर यहाँ पर जो है आप सभी को अगर यहाँ पर जो जनरल मैनेजर ड्यूटी की यहाँ पर जो अप्लाई करनी है तो आप सभी के पास कोई भी PG डिग्री होनी चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए पब्लिक हेल्थ के अंदर, और मिनिमम जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर 11 साल का होना चाहिए, और जो आप सभी की ग्रेड है यानी कि 7600 आप सभी को दी जाएगी। इसी तरह से हर रिक्रूटमेंट की अपडेट है, जिसमें कि आप सभी को मिनिमम जो है 7 से 8 साल का एक्सपीरियंस जो है अपने फील्ड के अंदर होना चाहिए, और साथ ही आप सभी के सामने PG डिग्री और डिप्लोमा
होना ही चाहिए तब इसके अंदर यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप सभी को दे दी है, जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है वो आप सभी को अप्लाई कर सकता है। और जैसे ही दोस्तों स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी आएगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से उसे भी अपडेट यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो अभी तक के लिए यही अपडेट निकल कर आई थी जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को शेयर किया गया। जो भी कैंडिडेट इसके लिए इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है वो कैंडिडेट इसके अंदर यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों स्टाफ नर्सिंग की वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल मैंने आप सभी को बता दिया है। इसमें अगर कोई भी क्यूरीज है तो कमेंट के माध्यम से या आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर जो है अपनी सारी अपडेट जो है पा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पर जो है जय हिंद।